बलिया में अवैध नर्सिंग होम पर झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त है। बिना रजिस्ट्रेशन के जिले भर में हजारों की संख्या में नर्सिंग होम के विरुद्ध प्रशासन के सख्त रुख अपनाते ही पोल खुलने लगे। दो दिनों से चल रहे छापेमार कार्रवाई में अब तक दर्जनों नर्सिंग होम की पोल खुल चुकी है। एसडीएम सदर जुनैद अहमद और डॉक्टरों की संयुक्त छापेमारी में हाई स्कूल और इंटर पास महिलाओं के साथ बीएमएस डॉक्टर सीजर करते पकड़े गए। डॉक्टरों से सवाल जवाब करने पर दूर भागते रहे। डॉक्टर का नाम बीएन सिंह बताया गया। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे जीवन रेखा हॉस्पिटल को सील कर मरीजों को महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तो क्या डॉक्टर एके उपाध्याय का नाम पढ़ देने मात्र से ऑपरेशन हो जाता? क्या हो जाता है? कोई किया होगा? वह व्यक्ति कौन था? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने ऑपरेशन किया? एक जिंदगी के साथ खिलवाड़, अगर इसे कहा जाए कि अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ये भी गलत नहीं होगा। जिंदगी के साथ खिलवाड़ यह किसने किया? चूंकि आप प्रबंधक हैं, आपका हॉस्पिटल है, आपके हॉस्पिटल में एक जिंदगी से खेल हुई, किसने किया? ऑपरेशन कौन कर रहा है? आपने किया? एक घंटे पहले बनारस से आए थे डॉक्टर साहब। किसने किया ऑपरेशन, ये बता दीजिए आप। आपके यहाँ कितने स्टाफ थे? तीन स्टाफ। क्या क्या उनका क्वालिफिकेशन है? वो तो ट्रेनिंग वाली है ना लड़के। इसके अलावा उनका क्या क्वालिफिकेशन था? इंटर पास। मेडिकल का जो बैठा था वो भी इंटर पास, सब इंटर पास थे। और आप एक हैं बीएमएस, तो फिर ऑपरेशन किसने किया? आप महीने में कितने ऑपरेशन करते हैं? दो तीन चार हो जाता है सर, ज़्यादा नहीं होता है, वो भी चलता है। आप कर लेते हैं? कर लेते हैं। करता कौन है? कोई भूत आया था? डॉक्टर भूत होता है क्या? अजब हाल हो गया, आपको पता ही नहीं है कौन करता है। एक घंटे पहले बता रहा है। ऑपरेशन भी नाम से ही कर लिया गया और उसको बेहोशी की हालत में लाने के लिए क्या यमराज स्वयं आए थे क्या? अच्छा, ये वही सर्विलांस डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर जिले भर में कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। अब तक कईयों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, आगे भी जारी रहेगी। सर, अभी आप लोग निरीक्षण में निकले हैं नर्सिंग होम के, अभी किस नर्सिंग होम में आए हैं? अभी यहाँ पर एक अनरजिस्टर्ड चिकित्सालय है जीवन रेखा चिकित्सालय नाम से, वो हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है। वहाँ पर दो दिन पूर्व हम लोगों ने जो है यहाँ पर निरीक्षण किया था एसडीएम सदर के साथ में, और उसमें तमाम विसंगतियाँ पाई गई थी। उसी के क्रम में आज नर्सिंग होम को सील करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या क्या आपको प्रथम दृष्टया मिला है सर? यहाँ पर जब हम लोग आए तो पहली चीज़ तो हमने ये देखा कि एक तो अनरजिस्टर्ड है, दूसरा यहाँ पर जो बीएमएस चिकित्सक हैं वो पूरी तरीके से एलोपैथिक विधा में प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर भी था जिसमें सारे एलोपैथिक की दवाएं थी, जिसका वितरण एक अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। उसके साथ ही यहाँ पर जो सिजेरियन प्रसव है वो भी करवाया जा रहा था, और बाकी जो मरीज उनके तीमारदारों से ज्ञात हुआ कि हिस्टेक्टमी जैसी जो बड़ी प्रक्रियाएँ हैं वो भी यहाँ पर की जाती हैं, तो इस तरह। और हम लोग अभी ओटी में खड़े हैं, यहाँ पर भी जैसा आपने देखा कि तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जैसे आप पीछे अगर आप कैमरे को घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि खून से सना हुआ जो एप्रन है वो टंगा हुआ है, और एक ही एप्रन को बिना प्रॉपरली इसको स्टराइल किए हुए बार बार एक ही मरीज पर इस्तेमाल किया जाता रहा। स्टरलाइजेशन की जो प्रॉपर सुविधाएँ नहीं हैं, तो इस तरीके की लगभग तमाम जो अनियमितताओं के चलते इसको सील करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह का अभियान कब से चल रहा है जिले में? देखिए, इस तरह का अभियान माननीय जिला अधिकारी महोदया के निर्देशन में शनिवार से हम लोग चला रहे हैं, और आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा। कितने नर्सिंग होम अब तक सील किए जा चुके हैं या इस तरह से गलत तरीके से चलाते हुए पाए गए? अलग अलग टीमें बनी हैं और अलग अलग टीमों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है, और हमारी टीम द्वारा ये सील किया गया पहला नर्सिंग होम। सर, इसके विरुद्ध कैसी कार्रवाई हो सकती है? जो बीएमएस डॉक्टर है, न इसके पास एनेस्थीसिया की व्यवस्था है, न बाकी कोई सुविधा इस तरह की है जिससे कि मरीज को सही सलामत बचाया जा सके। अभी आपके सामने भी जो सिजेरियन एक महिला पड़ी हुई है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो इस तरह के डॉक्टरों के विरुद्ध किस तरह का मतलब कानूनी प्रक्रिया होगा? देखिए, सबसे पहले तो कानूनी प्रक्रिया के ही क्रम में, कानूनी प्रक्रिया की एक श्रृंखला होती है,
उसी क्रम में पहले इस अस्पताल को हमने सील किया है, इनको हमने एक लीगल नोटिस भी दिया हुआ है, उस नोटिस के जवाब का इनका समय दिया जाएगा, उसको जो भी उत्तर मिलेगा और हमारी जो टीम है, जो नोडल हैं झोला छाप और रजिस्ट्रेशन के, वो उसका अध्ययन करेंगे और जो भी विधि संगत प्रक्रिया होगी न्यायिक वो अपनाई जाएगी। यूपी सार न्यूज़ के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।